আমরা এসে গেছি স্পাইসেস গার্ডেনে। पंद्रह बीस मिनट का एक टूर प्रोग्राम है, आप लोग जानते हैं केरला का स्पेशलिटी स्पाइसेस और आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए पॉपुलर है। अच्छा, इसका एडवर्टाइजमेंट बाहर नहीं होता, जो भी गेस्ट इधर आते हैं उनको एक जानकारी के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक सोसाइटी बनाया हुआ है इसको प्रमोट करने के लिए, इसके बारे में एक जानकारी देते हैं। अगर कोई ज़रूरी चीज़ चाहिए तो सोसाइटी से परचेस कर सकते हैं। एक अलग टाइप का एलोवेरा है, अलग की उम्र में नॉर्मल एलोवेरा कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आठ साल के बाद में यूज़ कर सकते हैं। आठ साल होती है वो बोर्ड में जैसे दिख रहा है ऐसा लाल हो जाता है। अच्छा, लाल होने के बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा है और बहुत रेयर है, इसके लिए इससे कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो भी सब लोग एफर्ड नहीं कर सकते। टॉप ब्रांड्स जो है सेलिब्रिटीज़ के लिए उनका ऑर्डर के हिसाब से बनाए जाते हैं। ये लौंग का पेड़ है। लौंग? सॉरी, लवंगो। लवंगो? अच्छा, ये बारिश के टाइम में नहीं होता, इसमें वो फूल झड़ जाते बारिश के बाद, दो पत्ते के बीच में ऐसे गुच्छे में आता है। अच्छा, बंचेस में आता है। ये भी तो टाइम लगता है जो हम लोग लौंग खाते हैं। एक्चुअली इसमें लौंग गोइटा टाइम ज्यादा नहीं लगता है, ये एक्चुअली इसमें एक इंफॉर्मेशन देते हैं। मार्केट में जाके लौंग खरीदते वक्त कोई भी क्वालिटी नहीं देखते, 50 ग्राम 100 ग्राम बोल के लेते हैं। एक्चुअल फैक्ट क्या, हमें 98% इंडियन मार्केट में जो लौंग मिलता है ना वो तेल निकाल के आता है, ऑयल एक्सट्रैक्टेड है, क्लोव ऑयल टूथपेस्ट के लिए दवाई बनता है, क्लोव ऑयल एक टूथपेस्ट में ऐड होता है, ऐसा मल्टीपर्पज फंक्शन है। जितना भी मेडिसिनल वैल्यू है वो ऑयल में होता है, इसके लिए उसको एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में आता है। आप लोग मार्केट में जाके एक लौंग हाथ में उठा लो, उसका जो स्टिक पोर्शन है स्टिक पोर्शन पे नखून से दबा के देख लो, अगर नखून पे थोड़ा तो ऑयल दिखा तो सही है, कभी नहीं आता। आप लोग ऐसा प्रेस करते हैं वो टूट जाता है क्योंकि वो ड्राई ऑयल एक्सट्रैक्टेड है। तो ये इलायची का है, इलायची है, এটা জানি, এটা তো এতে দেখেছি অনেক, একদম গোড়ায় এখানে হয় এলাচ, এটা দেখেছি আগেও, যে কোনো পাহাড়ি এলাকাতেই এলাচি এলাচ গাছ হয়। হ্যাঁ, আবি ও কাঁচা হয়, ও তিন মহিনে কে বাদ মে উসকো নিকাল কে সুখাতে। এই যে হয়েছে, হয়েছে এখানে, এই যে, এই যে এলাচ হয়েছে। केरला का सबसे पॉपुलर मेडिसिन कौन सा है? यहाँ पे आके एक बार लेके जाने के बाद में रिजल्ट मालूम पड़ने के बाद में अपना फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, नेबर्स के लिए चाहिए बोल के रिपीट ऑर्डर्स आते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा रिपीट ऑर्डर्स आता है हेयर ऑयल्स का, हेयर ट्रीटमेंट ऑयल्स के लिए पॉपुलर है। अच्छा। उसमें ये रोजमेरी, हाँ हाँ रोजमेरी, रोजमेरी और भृंगराज जो है हेयर ग्रोथ के लिए उसमें यूज, बहुत अच्छा है। ये क्या बोल रहे, लोग इसका पत्ता निकल निकल के सूख गया उधर भी। अच्छा, इसके बारे में आगे बताता हूँ मैं। ये कर्पूर तुलसी है, कर्पूर तुलसी, कर्पूर तुलसी, इसका ये तुलसी फैमिली का ये है। इसका पत्ता थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये पत्ते का एक्सट्रैक्ट करना ऑयल फॉर्म में एक दवाई बनता है, कॉमन बीमारी है, कोई भी सीरियसली नहीं लेते उसको। बार बार सर दर्द, माइग्रेन, साइनसाइटिस, वो मुझे है। सब लोग क्या करते हैं मतलब पेन किलर्स खा के उसको सप्रेस करते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। एक्चुअली बैड कफ का क्लॉटेज है, खराब कफ ज्यादा सर में भरने की वजह से प्रॉब्लम होता है। वो खराब कफ को पिघाल के निकालने के लिए दवाई है ये। सिर्फ नाइट में 8-10 ड्रॉप्स हाथ में लेके आना, अपना ये टेम्पल पॉइंट या पल्स पॉइंट पर रखने के लिए बोलते हैं, सेंटर हेड, सिर्फ नाइट में, क्यों मतलब मैं अप्लाई करने के बाद में 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर के अंदर बहुत जोर से नींद आएगा, 3-4 आवर्स डीप स्लीप है इसमें। इसके लिए इंसोमेनिक पेशेंट्स जिसको नींद कम हो जाता है उनके लिए भी हम लोग सजेस्ट करते हैं इसको। ये 40 डेज यूज करना है, 40 डेज के बाद में कम से कम एक 10-12 ईयर्स तक माइग्रेन, साइनस, कॉमन हेडेक को जड़ से निकालने के लिए दवाई, एटलीस्ट 10-12 ईयर्स। वो 10-12 ईयर्स क्यों बताते मन में, कम से कम उतना टाइम लगेगा वापस उतना कफ क्लॉट होने के लिए। 10-12 साल तक 40 दिन यूज करना है। ये भद्राक्ष बोलते हैं इसको, भद्राक्ष, ये एक्चुअली गाउटी आर्थराइटिस बोलते एक बीमारी है, गाउट आर्थराइटिस, यूरिक एसिड बॉडी में इम्बैलेंस होने की वजह से, वो यूरिक एसिड को बैलेंस करने के लिए दवाई देते हैं। वो अलग किंग ऑफ आयुर्वेद, अश्वगंधा, अश्वगंधा मुझे पता है वो क्या है। यहाँ पे आने का गेस्ट को हम लोग ये अश्वगंधा जो है 5 साल में 1-2 महीना कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं, 1 in 5 years 2 months कंटिन्यूस नहीं है, 2 महीना लेना है फिर 5 साल तक नहीं चाहिए। केरला में बच्चों को तो कंपलसरी है, बड़ों की मर्जी है, बच्चों को तो कंपलसरी है,
एलकेजी का स्टूडेंट से लेके प्लस टू तक हम लोग पेरेंट्स लोग है ना, अश्वगंधा और ब्राह्मी, ये दोनों दो महीना देने के बाद में स्कूल का डायरी में साइन करके देना है, दिया बोल के उतना कंपलसरी, नहीं तो ग्रेज मार्क्स जो भी है वो नहीं मिलेगा बाबा। ये अश्वगंधा की मामले एक इम्यूनिटी बूस्टर है, कुछ बीमारी आने से रोकने का, हड्डी को मजबूत करने के लिए अच्छा है, एक्टिवनेस के लिए अच्छा है, एंटी एजिंग के लिए अच्छा है। अच्छा। मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ थोड़ा एज के बाद में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने से रोकने के लिए, पार्किंसंस जैसा बीमारी, शिवरिंग प्रॉब्लम आने से रोकने के लिए, या पैरालिसिस जैसा बीमारी होने से रोकने के लिए सब अश्वगंधा 5 साल में 1-2 महीना लेना हर एक के लिए अच्छा है बताते हैं। ये आपने बताया ना, आपको पता है ये सब, बहुत से लोग हैं ना नॉर्थ से जो लोग आते हैं बहुत से लोग बोलते हैं हमको पता है इसके बारे में, मैं 4 साल से कंज्यूम कर रहा हूँ, 5 साल से कंज्यूम कर रहा हूँ, खरीद के हम लोग भी तो लेते हैं अश्वगंधा। सुन लो, केरला में जो दवाई बनता है वो सहस्र योगम टेक्स्ट के हिसाब से बनाते हैं, क्लासिकल टेक्स्ट। केरला छोड़ के जो दवाई बनता है ना वो अष्टांग योगम टेक्स्ट के हिसाब से बनाते हैं। वो मेडिसिन अच्छा नहीं बोल के नहीं, वो मेडिसिन भी अच्छा है लेकिन कंटिन्यूस कंजम्पशन है, नहीं तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। ये जो है 5 साल में 1-2 महीना लेना है, 2 महीना लेने के बाद में 5 साल तक नहीं चाहिए, ये फर्क है इधर का और उधर का मेडिसिन। वही वो क्या है आगे बताता हूँ, वो क्या है रेड रेड फॉल हो रहा है मच्छर मक्खी से बाहर निकलते हैं। এইটা হচ্ছে স্পাইসেস প্লেস, এখান থেকে যদি কেউ স্পাইস কিনে আর কি। গোলমরিচ, গোলমরিচ ও কে গোলমরিচ, ও গোলমরিচ ধরো একটু সাদাটা, उसको निकाल के सुखाने से ब्लैक हो जाता है, लेकिन ये काढ़े बिना ऐसे ही छोड़ दो तो ये पक जाएगा, रेडिश हो जाएगा। ये रेडिश होने के बाद में इसको निकाल के गर्म पानी में डाल के रखते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद में निकाल के हाथ से रब कर लो, रेड स्किन जो निकल जाएगा। उसके बाद में वो सफेद मिर्च है, व्हाइट पेपर, हाँ व्हाइट पेपर, यहाँ पे आने का गेस्ट को है ना व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर ज्यादा कंज्यूम करने के लिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा है, स्पेशली 40 ईयर्स एज का नीचे है तो हम लोग आंखों का ट्रीटमेंट में देते हैं कंज्यूम करने के लिए। ब्राह्मी और वाइट पेपर पाउडर 1-2 महीना कंटिन्यूस कंज्यूम करो, उसके बाद में जाकर आई टेस्ट करवा लो। 35-40% स्पेक्स का नंबर कम करके लेके आके ग्रेजुअली स्टॉप कर सकते हैं चस्पा पे। गोलमरीच, गोलमरीच एक ही दिए सादा मरीच, अब ये मेहंदी है लेकिन हम लोग इसको ज्यादा प्रमोट नहीं करते क्योंकि हमारे पास नेचुरल ट्रीटमेंट है जो ट्रीटमेंट के बाद में कम से कम 8-10 साल तक डाइज मेहंदी ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है बालों के लिए। ओटा की फॉल छोटे छोटे देखो, ना ना पास ही ओटा है ना, ये जो दिख रहा है ये कल्लूवाड़े या स्टोन बनाना बोलते हैं इसको, स्टोन, इसमें 2 साल में एक बार बनाना होता है। अच्छा, ये इतना ही हाइट है इसका, वो जब होता है ना बनाना होता है ना पकने के बाद में भी खा नहीं सकते, टेस्टलेस है। अच्छा। और बहुत हार्ड है, बहुत मोटा है, बहुत लंबा है। नॉर्मल केले के अंदर छोटे छोटा सीड्स होता है, ये ऐसा नहीं चीकू का सीड का उतना बड़ा बड़ा सीड्स होता है। वो सीड्स को क्रश करके प्रोसेस करके एक दवाई बनता है, एक्चुअली वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रीटमेंट फॉर किडनी स्टोन यूरिन स्टोन के लिए। 0-8 mm तक है तो जस्ट 2 months इज इनफ, जिंदगी में भूल जाओ प्रॉब्लम को। 8 mm से ज्यादा है तो ही और एक कोर्स करना पड़ेगा उसमें। ये सोसाइटी में 3 बीमारी का दवाई है जो वंस इन अ लाइफ टाइम है, एक तो किडनी स्टोन यूरिन स्टोन प्रॉब्लम और एक ये जो दो बोर्ड दिख रहा है कैसिया फिस्तुला एंड स्वीट इंद्र जाओ, ये दोनों कॉम्बिनेशन में दवाई बनता है। और नीचे में एंजल्स ट्रम्पेट, नीचे जो एंजल्स ट्रम्पेट बोल के बोर्ड आपने पूछा था, ये कॉम्बिनेशन में दवाई बनता है फॉर सोरियासिस एक्जिमा स्किन रिलेटेड डिजीज, वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रीटमेंट है, 6 महीने का ट्रीटमेंट है, जिंदगी में भूल जाओ प्रॉब्लम। और ये जो है व्हाइट पैचेस, ब्लैक पैचेस, बर्न मार्क्स या स्किन रिलेटेड फंगल इन्फेक्शंस, उसके लिए सभी इसका ऑयल ही काफ़ी है। और एक बीमारी का मैं आगे बताता हूँ जो गल्फ कंट्री से अरबिक्स लोग खासकर वो दवाई के लिए पैकेज बना के आते हैं,
बाइल्स फिशर्स एंड फिस्तुला वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रीटमेंट है, छह महीने का ट्रीटमेंट है, जिंदगी में भूल जाओ ये प्रॉब्लम को। कितने साल पुराना प्रॉब्लम रहने दो, कितना एक्यूट रहने दो, कितना पेनफुल, कितना ब्लीडिंग भी रहने दो, छह महीना कंटिन्यूस ये दवाई लेने के बाद में कम ये लाइफ में फिर वापस ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसके लिए दवाई खाना नहीं पड़ेगा। इससे बनता है वो आगे बता ना आगे आछे उठा बोल छे ये राउंड राउंड पत्ता का पेड़ दिख रहा ना, हां ये बीच वुड बोलते हैं इसको, बीच वुड, इसका छाल से जो दवाई बनता है ये सेलिब्रिटीज में भी बहुत पॉपुलर है, स्पेशली इंडियन एक्टर्स एक्ट्रेसेस लोग जानते हैं दवाई को। अच्छा। ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए दवाई है। अच्छा। बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी में जितना भी खराब चर्बी है, बैड फैट, अनवांटेड फैट, वो शरीर को जरूरी नहीं है, या एक्सेस फैट, उसको बर्न आउट करने का मेडिसिन। ये एक्चुअली स्लिम होने के लिए, थिन होने के लिए नहीं है, अनवांटेड फैट। हर एक इंसान में थोड़ा बहुत बैड फैट होता है, एक लोग को टमी एरिया, हिप एरिया, थाइज, लेडीज का हाथ में, जो आगे जाके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल लेके आता है। एक्सेस फैट जो है घुटनों का दर्द जल्दी लेके आता है, वो बैड फैट या अनवांटेड फैट को बर्नआउट करने का मेडिसिन है। ये वन मंथ कोर्स एटलीस्ट 4-5 किलोस के बीच में बर्नआउट कर सकते हैं विदाउट डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर डाइट और एक्सरसाइज है तो और ज्यादा। ये कस्तूरी हल्दी, हाँ, वो तो पैक बनाने से आता है, ये लेडीज का फेस पैक्स बनता है। हाँ। ये हल्दी कुकिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। हाँ। कस्तूरी हल्दी, ये भृंगराज है, भृंगराज रोजमेरी, ये सब हेयर ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। ये वाला अडुल सा कॉमन कफ, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, डस्ट एलर्जी, स्मोक एलर्जी, स्नीजिंग, वीजिंग, स्नोरिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए। केरला का सबसे पॉपुलर मेडिसिन हेयर ऑयल्स है। यहाँ पे जितना भी लोग आते हैं, यहाँ पे एक बार लेके जाने के बाद में जितना भी मेडिसिन यहाँ पे है उसमें सबसे ज्यादा रिपीट ऑर्डर आता है हमको हेयर ऑयल्स का। हेयर ट्रीटमेंट ऑयल्स के लिए पॉपुलर, क्योंकि वो बिलो 50 इयर्स एज है तो रीग्रोथ के लिए मेडिसिन है। अच्छा। इवन बाल्डनेस पे ट्रीट करते हैं हम लोग उससे, लेकिन सबसे ज्यादा लोग लेके जाते हैं व्हाइट हेयर को ब्लैक करने के लिए। हेयर व्हाइट होने के बाद में सब लोग क्या करते हैं, डाइज यूज करते हैं। वो डाइज का एक पैकेट या बॉटल निकाल के देख लो, उसमें कंटेंट्स पढ़ लो, उसमें एक कंटेंट होता है इंडिगो, व्हाइट हेयर को ब्लैक करने के लिए इंडिगो यूज करते हैं, ये पता है। इंडिगो फेरा, ये पत्ते को ही डाइज में यूज करते हैं व्हाइट हेयर को ब्लैक करने के लिए, लेकिन डाइज में केमिकल्स की वजह से, अमोनिया ऐसा केमिकल्स होता है उसकी वजह से वो निकल जाता है। हफ्ते में एक बार, दो हफ्ते में एक बार ऐसा रीअप्लाई करना पड़ता है। ये ऑयल ऐसा नहीं है, हफ्ते में दो बार अप्लाई करना है। लेडीज है तो भी पूरा बालों में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालों का ट्रीटमेंट नहीं है, रूट ट्रीटमेंट है, रूट ट्रीटमेंट। स्कैल्प में लगा के रखना है, ओवरनाइट रख के नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉश करने के लिए सजेस्ट करते हैं हम लोग, लेकिन हफ्ते में दो बार के हिसाब से एक दो महीने का काम नहीं है, छः महीने का ट्रीटमेंट है। लेकिन रिजल्ट के लिए उतना वेट करना नहीं पड़ेगा, समझो कोई डाइज यूज करने वाले लोग हैं तो भी। ये हफ्ते में दो बार के हिसाब से 2.5-3 मंथ्स ऑयल यूज करने के बाद में फिर डाइज यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो गया बोल के स्टॉप नहीं करना, बोलते छः महीने का ट्रीटमेंट है, छः महीने के बाद में स्टॉप कर दो। मिनिमम 8-10 ईयर्स तक डाइज, ये मेहंदी, कलरिंग, ये सब यूज करने की जरूरत है नेचुरल ब्लैकनेस के लिए। ये पांच चीज के लिए ट्रीटमेंट है, रीग्रोथ, व्हाइट हेयर को ब्लैक करने के लिए, थिनिंग प्रॉब्लम, स्प्लिटेंस प्रॉब्लम और डैंड्रफ। 61 जड़ी बूटी मिला के कैस्टर ऑयल और वर्जिन कोकोनट ऑयल इसका बेस है, 61 जड़ी बूटी मिला के वो दवाई बनता है। उसमें रोज मेरी, भृंगराज, इंडिगो और ये यूकेलिप्टस या नीलगिरी, तो पॉपुलर ही नीलगिरी और ये अपराजिता, अपराजिता बोल के फ्लावर है, ये सब जगह होता है। हाँ, ये तो सब जगह होता है पॉपुलर। ये कूलेंट है, इसके लिए उसमें ऐड कर देते हैं। और ये मुंड ब्रह्मी या वियोला, ये सब ऐड करके 61 जड़ी बूटी ऐसा मिला के वो दवाई बनने के बाद में ना 7 days अच्छा बॉइल करते हैं उसको, उसके बाद में और एक 7 days अच्छा धूप में रख के निकालते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस के लिए। उसके बाद में बड़ा मिट्टी का पॉट है ना, मिट्टी का नीचे गाड़ के रखा हुआ है, उसमें डाल के सील करके रखते हैं कम से कम 4 साल, उसके बाद में निकाल के बॉटलिंग करते हैं। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। हेयर ऑयल, हेयर ऑयल केरला में बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोग किस प्रॉब्लम की वजह से आते पता है, बॉडी पेन। इसके लिए यहाँ का मसाज या पंचकर्मा ट्रीटमेंट है, ये सब पॉपुलर है।
तीन चीज है जो हमारा शरीर में बीमारी लेके आता है, वात पित्त और कफ। इसमें वात रोग में आता है ये स्टिफ नेक, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड पेन, सर्वाइकल पेन, L3, L4, सायाटिका, जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस, मसल पेन, मसल पुल्स, जो भी है वो वात रोग में आता है। किसी को ये प्रॉब्लम स्टार्ट होके 5 साल हो गया, 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, ऐसा बिलो 5 ईयर्स का इश्यू है तो 2 मंथ्स का एप्लीकेशन ऑयल देते हैं हम लोग। इसमें एप्लीकेशन है, मसाज नहीं है, जस्ट अप्लाई करके रखना है 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर के बाद में लाइट वाटर, वार्म वाटर में वॉश करने के लिए बोलते हैं। 5 साल का नीचे का प्रॉब्लम 2 महीना, एक्यूट क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो डबल कोर्स। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद में कम से कम एक 5 to 6 ईयर्स तक वो अफेक्टेड एरिया में पेन अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज कभी आता है मालूम है, 40 साल उम्र होते ही बहुत सारे लोग जोड़ों का दर्द कंप्लेन करते हैं, जॉइंट पेन्स, उसमें सबसे ज्यादा नी पेन है। सेनेवल फ्लूइड बोल के एक फ्लूइड होता है नी का बीच में, वो सूख जाता है, हड्डी घिसने में पेन होता है फ्रिक्शन में। वो फ्लूइड को रीजनरेट करने के लिए कंज्यूमिंग मेडिसिन प्लस एप्लीकेशन। बिलो 5 ईयर्स इश्यू 2 मंथ्स, एक्यूट क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो डबल कोर्स। एक इधर आने का गेस्ट को हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग का फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, किसी को भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज अगर सजेस्ट किया है तो उतना पैसा, लाखों में पैसा खर्चा करने से पहले हमको एक 2 महीने का टाइम दे के देखो, लास्ट चांस। ये 2 महीने के बाद में वो पेशेंट खुद बताने दो ऑपरेशन करना है क्या, ये कंटिन्यू करना है। हमको 100% हम लोग श्योर है कि वापस कॉल आएगा एक बार यूज करने से। 6 महीने का ट्रीटमेंट है, कंज्यूमिंग मेडिसिन प्लस एप्लीकेशन। 6 महीने के बाद में एटलीस्ट 14 to 15 ईयर्स तक वो अफेक्टेड एरिया में ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे मम्मी एक एग्जांपल है इसमें। मेरे मम्मी का एज 92 है, एक 12 to 13 ईयर्स बैक एक्चुअली ऑपरेशन सजेस्ट किए थे। सेवा या गॉड्स क्राउन बोल के एक पौधा है, ये 2 मेन इन्ग्रीडियंट है डायबिटीज का दवाई में, इंसुलिन प्लांट। ये बहुत से लोग जो आयुर्वेदा में इंटरेस्टेड है, बहुत से लोग इसके बारे में थोड़ा स्टडी करके आते हैं आयुर्वेदा के बारे में, उसमें सबसे ज़्यादा लोग ये मेडिसिन के लिए खास कर इधर आते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई दवाई नहीं है डायबिटीज़ के लिए जो थोड़ा दिन कंज्यूम करने के बाद में स्टॉप कर सकते हैं। स्टार्ट किया तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, ये ऐसा नहीं है किसी को डायबिटीज है तो कितने साल पुराना डायबिटिक रहने दो, 18, 20, 25, 30 ईयर्स पुराना भी रहने दो, एक 6 मंथ से दवाई लेना है, उसके बाद में कम से कम 3 ईयर्स तक एक भी टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है डायबिटीज के लिए। इसका मेन एडवांटेज ये है कि एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स को बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं। तो हम लोग 3 साल बताते हैं, हमको 4.5-5 साल भी मिलने वाला पेशेंट्स है, हम लोग उतना डेड एंड कमिट नहीं करते यहाँ पे। अगर वो पेशेंट प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज ये सब है तो और ज़्यादा टाइम मिलेगा। और एक है ये प्री डायबिटिक या बॉर्डरलाइन डायबिटीज है तो 6 महीने का ट्रीटमेंट के बाद में जिंदगी में भूल जाओ प्रॉब्लम को। इनिशियल स्टेज का डायबिटीज है तो जिंदगी में भूल इंसुलिन प्लांट। কিছু ইলাইচি গাছ এখানে, জ্যাক ফ্রুটের সাইজটা দেখো একবার, কাঁঠাল কাঁঠাল সাইজটা শুধু দেখো একবার, এরকম হয় না বাবা, এত বড় এরকম হয় কাঁঠাল। सर जी मेडिसिन के बारे में तो मुझे एक आधा घंटे के बाद में कॉल कीजिए सर, मैं अभी गेस्ट के साथ गार्डन में हूँ। पापा को लेकर तो बात जानी ना, पर सर मुझे तो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके ओके कृष्ण तुलसी, ये जेटा कृष्ण तुलसी, ये मैंने इसे बताया था गॉड्स क्राउन हियर, मैं फोटो दे दूंगा इसको। ये जी फॉल को लेकर फॉल विच गॉड्स क्राउन, এটা হলো পিপার মানে ব্ল্যাক পিপার, ওই যেটা দেখালাম নিচে জ্যাকফ্রুট, ইদার হাম লোগ ইসকো তিপলি বলতে হ্যায়। ये काला होने के बाद में ये और वाइल्ड जिंजर ये सब ऐड करके गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, इंडाइजेशन प्रॉब्लम कम से कम 3.5-4 साल तक झड़ से काट सकते हैं जस्ट 2 मंथ्स का कोर्स। या हम लोग बीमारी को ट्रीट नहीं करते, सहस्य योगम टेक्स्ट के हिसाब से जो बनाते हैं ना, बीमारी को ट्रीट नहीं करते, उसका रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। इसके लिए बहुत सब बीमारी झड़ से जाएगा या बहुत साल तक दवाई खाने की जरूरत नहीं। ये भी ऐसे ही है,
ये तीन पत्ती बोलते हैं और वो एक पत्ती कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए। कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स चार महीना ये दवाई लेने के बाद में कम से कम तीन साल तक एक भी टैबलेट खाने की जरूरत नहीं। এখানে এখন আয়ুর্বেদিক বেঁচে আছে বলো কি সুন্দর। হ্যাঁ আর সব জায়গায় বলে সব কিছুর দারুণ জায়গাটা লাগছে। लेकिन ये सहज रेगम टैक्स के हिसाब से दवाई है ना, बहुत साल तक दवाई खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा इनिशियल स्टेज में कॉस्टली होता है। अच्छा, लेकिन अभी 6 महीने का ट्रीटमेंट बोल के बताया, एक भी दवाई है ना कंप्लीट कोर्स लेके जाने के लिए सजेस्ट नहीं करते हम लोग। इनिशियल कोर्स लेके जाके रिजल्ट देख लो, उसके बाद में कॉल करके मंगवा सकते हैं, तो कुरियर में भेज के देते हैं। लेकिन सिर्फ रिपीट ऑर्डर्स, फ्रेश ऑर्डर्स नहीं भेजते हम लोग। ये वाला चमेली या जैस्मिन, जैस्मिन, लेकिन ये फूल नहीं होता इसमें। अच्छा, और इसका स्टेम जो है स्क्वायर शेप रहता है। अच्छा, ये स्टेम का एक्सट्रैक्ट थायराइड में मेन इंग्रेडिएंट है। 6 महीने का ट्रीटमेंट है, कम से कम 3 साल तक एक भी टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। बाबा थायराइड तो तुम अब सामने की देख चुका ना, स्क्वायर शेप तो दिखे, स्क्वायर शेप तो डन रहता है। हां तो चो को गासे डल रहा हूं ना, हां गासे डल गोल है ना, चो को गासे डल कौन है ना। जब मैंने नीचे बताया था गल्फ कंट्री से अरबिक्स लोग खासकर ये दवाई के लिए आते हैं पैकेज बना के, पाइल्स फिशर्स और फिस्टुला, वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रीटमेंट है। 6 महीने का ट्रीटमेंट है, टैबलेट्स देते हैं 6 मंथ्स का, मोदी जो ना स्पेशली 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 जिंदगी में फिर वो बीमारी को भूल जाओ। 6 महीने का ट्रीटमेंट सिर्फ इससे ही बनता है, ये ऐसे एक ही जड़ी बूटी से दवाई नहीं बनता है। लेकिन अभी हम लोग जो इम्पोर्टेंट वाला है वो बनाते हैं मेन इंग्रेडिएंट। अभी सब इंग्रेडिएंट बताएं तो एक एक दवाई में मिनिमम 21 इंग्रेडिएंट्स होता है, तो सब ऐसा बता नहीं सकते ना। अच्छा, इसके लिए हम लोग मेन इंग्रेडिएंट बताते हैं। ये अर्जुन की छाल, अर्जुन का छाल, ये बहुत सा बीमारी के लिए अच्छा है, नॉर्थ में बहुत सी जगह इसका पूजा भी करते हैं। हाँ। ये एक्चुअली हार्ट ब्लॉकेजेस, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इसके लिए सब अच्छा है। हम लोग ज्यादा इसको ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हैं। ये स्टीविया सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर, नेचुरल स्वीटनर है। ये पत्ते को निकाल के सुखा के पाउडर करने से 30 गुना ज्यादा मीठा होता है शक्कर से भी, और 0 कैलोरी है, डायबिटीज पेशेंट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। एक चुटकी काफी है एक कप चाय के लिए। कैंडी लीव चुटकी, हाँ। वो जो ना नाम ही दिए थे कैंडी लीव। ये फल जो दिख रहा है ना, हाँ। ये वो सब, हाँ। ये जब पकेगा ना इसका नीचे का पोर्शन खुल जाएगा, देखो ऊपर देखो खुल रहा है कहाँ पे, हाँ 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 हाँ, वो रेड रेड फिटेगा। कंप्लीटली ओपन होने के बाद में उसके अंदर से 2 चीज नीचे गिरेगा जो आप लोग शायद जाते हैं, जायफल और जॉयत्री। हाँ, ये जेटा होलो जायफल जॉयत्री गाच, एक तो बिरयानी ते दिए हमरा, देखे नाम नीचे ना, ये जेकने एकुलो की पोड़े चे नीचे, ये बाहर जो रेडिश दिख रहा है जायत्री है, जायत्री, और इसके अंदर जो है जायफल। ये जे बाहर टा होलो जायत्री और भीतर टा होलो जायफल। वाओ, এই যে ভিতর থেকে এরকম ওই ফলগুলো, ফলগুলোর ভিতরে এটা থাকে আর কি, খোলাটা এটা ধরো আমায়, প্রচন্ড নিচু রাস্তাটা। এই জঙ্গলি আদ্রক, ওয়াইল্ড জিঞ্জার, মানে ওদের বতায় তা তিপলি আর ওয়াইল্ড জিঞ্জার এসব অ্যাড করকে এই গ্যাস্ট্রাইটিস অ্যাসিডিটি কে লিয়ে দাওয়া বানতা আছে। ওয়াইল্ড জিঞ্জার, ওয়াইল্ড জিঞ্জার, এখানে আবার একটা জায়ফলের গাছ। কত পড়ে আছে জায়ফল দেখো, আর আমরা কিনি কত টাকা দিয়ে গ্রাম। ये मंदारम बोलते हैं इसको, ये भी सब जगह होता है, इसमें व्हाइट फूल, येलो फूल, ऐसा फूल भी होता है। ये एक्चुअली लिवर प्रॉब्लम्स के लिए इसका पत्ता अच्छा है, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, इसके लिए। वो एक बोर्ड दिख रहा है उसके ठीक पीछे, पतला सा एक पौधा दिख रहा है, हाँ हाँ, वो दालचीनी का है। दालचीनी उसका छाल इंडिया में ज्यादा यूज करते हैं, उसका इनर पोर्शन फैक्ट्रीज में रोल हो के आता है, वो ज्यादा स्ट्रांग रहता है। और उसका पत्ता जो है तेज पत्ता है। हाँ, दालचीनी पता है,
दालचीनी का पता ही तेज पत्ता, तेज पत्ता दोनों एक ही पेड़ का है। हाय ये लंबा सा पेड़ दिख रहा है ना, हाँ ये रुद्राक्ष का है। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष जो गले में पहनते हैं वो फल होता है क्या? हाँ फल होता है। ओके एकदम ऊपर में ये जो रुद्राक्ष, वो एक्चुअली वो अभी हवा बहुत था वो कच्चा गिरा है, ये पकने के बाद में इसको इसका बाहर का छिलके को स्क्रैच करके क्लीन करने के बाद में देखते हैं एक मुखी दो मुखी पंच मुखी ऐसे सेपरेट करते हैं। ये जो रुद्राक्ष पड़े आज ये जो लंबा गाछटा होलो रुद्राक्ष गाछ একদম উপরে ফল হয়। আর এটা এটা কি বললো জানো, এগুলো তো লেমন গ্রাস সবাই জানে। এই রোদ উঠেছে, রোদ জঙ্গলি ব্যাঙ্গন ও ছোট ছোট সিডস হতো এসে। হ্যাঁ ফল তো হয়েছে। জঙ্গলি ব্যাঙ্গন এ শতাবরী उसका रूट मेडिसिन एस्पर आयुर्वेदा, ये फाइनल सॉल्यूशन है तो लास्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल लेडीज गायनिक प्रॉब्लम्स, पीरियोडिकल इंबैलेंस, वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम, यूरिनरी इन्फेक्शन, एक्सेस पेन, एक्सेस ब्लीडिंग, ये पांच कॉमन प्रॉब्लम्स है। उसमें का कौन सा भी एक प्रॉब्लम है तो भी हम लोग दो महीने का टैबलेट्स देते हैं, उसके बाद में कम से कम 4 to 5 years तक वो बीमारी फिर सताएगा नहीं। इवन पीसीओडी पीसीएस तक हम लोग 4 months के अंदर झट से काट के देते हैं। দারুন কিন্তু হলো এ নরমাল জিঞ্জার জো কুকিং কে লিয়ে ইউজ করতে হ্যায়। আচ্ছা ইসকা রুট জিঞ্জার হ্যায়, আধা গাছ নিচে আধা গাছ, আধা মাটির তলা, আধা তো মাটির তলাই হয় এটা গাছ। ये बाजू में दिख रहा है वो क्लाइंबर है ना, हां वो वैनिला का है। वैनिला, उसमें एक बीन होता है वैनिला पॉड। अच्छा उसको प्रोसेस करके एसेंस बनाते हैं जो आइसक्रीम केक्स में से। ओ हां हां वैनिला एसेंस। ये वाला बड़ी इलायची का, ब्लैक कार्डमम, बड़ा इलायची होई नहीं एकटा। ये ब्रह्मी है, ब्रह्मी शक। मैं स्टार्टिंग में बताया था ब्रह्मी एक्चुअली 5 साल में 1-2 महीना लेना, ब्रह्मी हरे के लिए अच्छा है। ब्रह्मी ब्रेन कूलर है, ब्रेन कूलर में ऑटोमेटिकली मेमोरी पावर बढ़ेगा, आईसाइट बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन के लिए अच्छा है। सेकेंड स्टेज जो है जो स्ट्रेसफुल जॉब्स करते हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन, इसके लिए अच्छा है। थर्ड स्टेज जो है थोड़ा एज के बाद में मेमोरी लॉस, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स बोलते हैं उसको। ऐसा बीमारी आने से रोकने के लिए भी 5 साल में 1-2 महीना ब्रह्मी लेना हर एक के लिए अच्छा है। হাইপার জুস আইম সেকি টিস্কিপুল আছে এখানে, কফি তো সিডস, কফি সিডস ये पकने के बाद में ना रेडिश हो जाता है, उसके बाद में डार्क ब्राउन होने के बाद में इसको निकाल के उसका आउटर स्किन काटने से इसके अंदर से बहुत सा सीड्स मिलेगा, मतलब ये मूंगफली है ना, हां हां ग्राउंडनट सीड्स जैसा सीड्स मिलेगा, उसको पहले ड्राई करके रोस्ट करके पाउडर करते हैं, कॉफी पाउडर बनता है। कॉफी पाउडर, हाँ दुकान से जो कुछ किनो।